नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम पटेल है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मिशन MPPSC में। दोस्तों, आज हम भारतीय भूगोल सीरीज को प्रारंभ करने जा रहे हैं और हम आज भारत के एक सामान्य परिचय को इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम किस किस विषय पर चर्चा करेंगे, उन सब चीज़ों को देख लेते हैं। हम आज चर्चा करेंगे कि भारत के नाम, भारत का जो नाम है वो कब कब किन किन लोगों द्वारा क्या क्या दिया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो भारत का नाम है वो संविधान में कहाँ वर्णित है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही भारत की जो स्थिति है और उसका विस्तार, भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ तक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में भी चर्चा करेंगे। भारतीय भारतीय तट रेखा की लंबाई और उसका भारत के लिए महत्व, इस सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही हिंद महासागर का भारत के परिप्रेक्ष्य में सामरिक और व्यापारिक रूप से महत्व क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यदि हम बात करें भारत के नामकरण की, तो प्राचीन काल से ही भारत रहने योग्य भूमि भारत में उपलब्ध थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। जहाँ भी नदियाँ प्रवाहित होती हैं वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन पाई जाती है, क्योंकि उपजाऊ ज़मीन पाई जाती है और जल की भी अधिकता होने के कारण उस क्षेत्र में व्यक्तियों, लोगों का बसाव अधिकतम होता है। इसीलिए भारत में विभिन्न सभ्यताओं का जन्म हुआ और इनमें से बहुत पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का जन्म भी भारत में ही, भारत के उत्तर पश्चिम भाग, पश्चिमी भाग में देखा गया। भारत की विशालता इतनी अधिक है कि इसको हम उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इसका प्राचीन नाम यदि हम देखें तो आर्यावर्त था, इसको आर्यावर्त भी कहा गया। साथ ही कुछ विद्वानों के अनुसार राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारत वर्ष पड़ा। और वैदिक काल जो कि लगभग 1500 BC के समथिंग हमको दिखाई देता है, वो दिखाई देता है, तो इस समय सिंधु घाटी में निवास करने वाले जो व्यक्ति थे, जो माना जाता है कि आधुनिक ईरान से आए थे, वो जो लोग थे वो साक का उच्चारण हा की तरह करते थे, इसीलिए वह सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। इसी आधार पर भारत देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। ये लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, इसीलिए हिंदुस्तान नाम पड़ा। साथ ही आपको मैं यह भी बता दूं कि जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भारत के लिए जम्बूद्वीप नाम का प्रयोग किया गया है। वर्तमान में जो भारत में भारत के लिए इंडिया शब्द का उपयोग किया जाता है, उसकी उत्पत्ति ग्रीस भाषा के इंडो शब्द से हुई है। इंडो शब्द यहाँ पर जो यूनानी थे वह सिंधु नदी को इंडस कह रहे थे, इसीलिए यहाँ के रहने इस देश को उन लोगों ने इंडिया कहा। इस प्रकार से भारत का नाम इंडिया पड़ा। साथ ही में जो मैंने पहले चर्चा की थी कि भारत के संविधान में इंडिया का नाम कहाँ वर्णित थे, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, यहाँ पे मैं इंग्लिश जो वहाँ पे कोटेशन दी गई है, या फिर मैं कहूँ कि जो वाक्य दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत सेल बी आ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत सेल बी आ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात यहाँ पे सेल लगा हुआ है,
यहाँ पर सेल का प्रयोग किया गया है, अर्थात यहाँ पर आशंका की कोई बात नहीं है। इंडिया दैट इज भारत सेल बिया यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले भारत के राजनीतिक मानचित्र पर एक दृष्टि डाल लीजिए। यहाँ पे आप पाकिस्तान, ये छोटी सी सीमा, यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ भी भारत साझा करता है, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब के साथ भारत अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। भारत श्रीलंका के साथ कोई भी स्थलीय सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच स्ट्रेट ऑफ पाक पाक जल संधि आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के स्थिति और विस्तार के बारे में। भारत का जो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन अक्षांशीय विस्तार है, वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक हमें देखने को मिलता है। जो कि जो 8 डिग्री 4 मिनट है, ये भारत का मेनलैंड अर्थात भारत की मुख्य स्थलीय सीमा में स्थित है। जबकि यहाँ पे यदि मैं आपसे कहूँ कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, वो 6 डिग्री 45 मिनट पर अवस्थित है, जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्स, यदि मैं देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करूँ, तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता हुआ हमको दिखाई देता है। ठीक है, भारत के ज्योग्राफिकल एरिया की यदि मैं बात करूं, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। भारत दुनिया में क्षेत्रफल के मामले में सातवें नंबर पर हमें दिखाई देता है। भारत के पहले हमें 6 देश आगे दिखाई देते हैं, जो कि रूस, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश भी है और साथ ही एक कॉन्टिनेंट भी है। भारत की यदि पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो भारत की जनसंख्या दुनिया में दूसरे नंबर पर है। बात करते हैं भारत के मानक समय की। भारत के मानक समय को हम अगले लेक्चर्स में, भारत के सॉरी विश्व के मानक समय को हम आने वाले लेक्चर्स में विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से विश्व में और किसी भी देश में मानक समय का निर्धारण किया जाता है। भारत के मानक समय की रेखा इलाहाबाद के समीप नैनी से होकर गुजरती है, जो भारत को लगभग दो भागों में विभाजित कर देती है। जो भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अब बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये ग्लोब है, यहाँ पे ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गई, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये मुख्य कुछ रेखाएं हैं। तो इनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती हुई हमको दिखाई देती है, जो भारत के पश्चिम से पूर्व की ओर यदि हम बात करें, तो क्रमशः सबसे पहले गुजरात में ये प्रवेश करेगी, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा,
त्रिपुरा एंड देन मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। और ठीक है, भारत के यदि मानसून की बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। ये भारत के मानसून की जब हम चर्चा करेंगे उस सेशन में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से भारत की जलवायु किस प्रकार की है और अन्य देशों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब बात करते हैं भारत के मुख्य भूमि की जो लंबाई है वो क्या है। भारत की मुख्य भूमि की यदि लंबाई की बात करें तो ईस्ट टू वेस्ट भारत की मुख्य भूमि की लंबाई 2933 किलोमीटर देखने को मिलती है। साथ ही यदि नॉर्थ टू साउथ यदि बात करें तो 3214 किलोमीटर देखने को मिलती है। भारत एकमात्र दुनिया में ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन की को हम दो शाखाओं में विभाजित करते हैं, पश्चिम की ओर अरब सागर, अरेबियन सी, और पूर्व की ओर गल्फ ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, और जो भारत के मुख्य भूमि की समुद्री तट की लंबाई है वो 6,100 किलोमीटर है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने अभी भारत में जो द्वीपीय समूह हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, उनकी तटीय सीमा को हमने यहाँ पर जोड़ा नहीं है। ये तटीय द्वीपीय समूह की तटीय सीमा को हम जब जोड़ेंगे तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6,100 प्लस 7,516 13,616.6 किलोमीटर यहाँ पे टोटल लंबाई यहाँ पे देखने को मिलेगी। भारत में मुख्य भूमि के राज्यों की यदि बात करें तो सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा गुजरात की देखने को मिलती है। यदि हम आप सामान्य तौर पर यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु की समुद्री तटीय रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है, नहीं, क्योंकि गुजरात में क्रीक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रीक्स, ये ऊबड़ खाबड़ टाइप की जो जमीन है, सॉरी समुद्री रेखा है, उसके कारण गुजरात की जो समुद्री तटीय रेखा है उसकी लंबाई ज़्यादा देखने को मिलती है। और यदि मैं बात करूँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जितने भी द्वीप समूह हैं उनमें से यदि टोटल लेंथ उनकी देखी जाए तो गुजरात की जो तटीय सीमा है उससे भी अधिक लंबाई हमें देखने को मिलेगी, 1,962 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने तटीय रेखाओं के जो उस रीजन में रीजनल नेम्स भी हैं, कुछ वहाँ पे लोगों द्वारा कुछ नाम दिए गए हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पे दिया है। ओडिशा की यदि मैं बात करूँ, ओडिशा में वहाँ पर ये जो रीजन है उसको उत्कल तट, उत्कल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध लैगून झील, चिल्का झील यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी उड़ीसा में। साथ ही जो उत्कल तट है वहाँ से लेके लगभग कृष्णा गोदावरी के डेल्टा तक आपको आंध्र तट कहते हैं इसको, और यहाँ पे आपको आंध्र तट और तमिलनाडु तट यहाँ पे बोल सकते हैं इसको, जब आंध्र तट और तमिलनाडु तट साथ में बोला जाता है तो इन दोनों को हम समग्र रूप से कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक है, अब यदि हम वेस्टर्न पार्ट की ओर यदि जाएं तो यहाँ पे आपको दो खाड़ियाँ देखने को मिलेगी, गल्फ ऑफ कच्छ, ये जो ये रीजन है यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ
साथी गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर खम्बात की खाड़ी, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पे आपको छोटे छोटे दो केंद्र शासित, सॉरी एक केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेगा मिलेंगे जो कि दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया है रिसेंटली, जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अनुसार। ठीक है, जो वेस्टर्न कोस्ट है उसको, उसके रीजनल नेम यदि हम बात करें तो यहाँ पे ताप्ती नदी के मुहाने से लेके मैंगलोर तक का जो, सॉरी गोवा तक का जो भाग है उसको कोंकण तट के नाम से जानते हैं। वहीं यदि बात करें गोवा से लेके मैंगलोर तक के तट को, वहाँ सामान्य भाषा में कर्नाटक तट भी बोला जाता है। और यदि हम इसको ना माने तो गोवा से लेके लगभग कन्याकुमारी तक के तट को आप मालाबार तट बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको वेम्बनाड लेक मिलेगी, ये भारत की सबसे लंबी लेक है। ठीक है, तो ये तो हो गई भारत के समुद्री सीमा की लंबाई के बारे में चर्चा जो हमने कर ली है। तो आगे बात करते हैं भारत का, भारत की जो समुद्री सीमा है वहाँ पर कुछ छोटे छोटे चैनल्स अर्थात नैरो पैसेज हैं जहाँ से होके कोई भी शिप्स, जब दो समुद्री जल भाग रहे, जब दो समुद्री वाटर बॉडी रहती हैं उनके बीच छोटा सा भाग रहता है, छोटी सी, छोटा सा समुद्री भाग रहता है तो उसको हम चैनल बोल देते हैं। तो भारत में कुछ महत्वपूर्ण चैनल्स हैं उनको देख लेते हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव एक देश है जिसकी राजधानी माले है। मिनिकॉय और मालदीव, ये मिनिकॉय लक्षद्वीप का एक छोटा सा एक पार्ट है मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल यहाँ पे देखा जाएगा और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच आपको 9 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। और साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। साथ ही इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच आपको ग्रेट चैनल देखने को मिलेगा। ये तो हो गई भारत के जो समुद्री सीमा है या समुद्र जहाँ तक भारत एक्सेस करता है उसकी चर्चा। हम आगे बात करें कि भारत के लिए हिंद महासागर का महत्व तो क्यों है। देखिए, इमेजिन कीजिए यदि भारत के पास कोई भी समुद्री सीमा नहीं होती तो भारत एक कम दाम में अपनी जो शिप्स हैं, कार्गोस हैं, उनको दूसरे देशों तक नहीं पहुंचाया जा सकता। क्योंकि आप यदि आप तुलना करें सड़क परिवहन से समुद्री परिवहन की तो वो अपेक्षाकृत सस्ता पड़ता है। इसीलिए भारत के लिए समुद्री व्यापार और भारत की जो हिंद महासागर में जो सीमाएं हैं, जो प्रेजेंस रखता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, यदि मैं आपको स्ट्रेटेजिकली सामरिक महत्व में बात करूँ तो यहाँ पे भारत के लिए हिंद महासागर का बहुत ही अधिक महत्व है। ठीक है, एक मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ कि मान लीजिए हाल ही में चीन के साथ भारत की तनातनी या फिर जो कुछ भी आप कहना चाहें वो हो रही है, तो यदि चाइना यहाँ से कोई भी अपना कार्गो यहाँ पे भेजता है तो भारत के जो द्वीपीय समूह हैं वहाँ पर भारत अपनी सेना को डिप्लॉय करके यहाँ पे, ये मलक्का स्ट्रेट है, यहाँ पे ये मलक्का स्ट्रेट है, इसको चोक करके ये जो एक्सेस है वो भारत ले सकता है। इस हिसाब से सामरिक महत्व भारत का यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, साथ ही ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर मैं बात कहूँ पुदुचेरी, ये पुदुचेरी और लक्षद्वीप, इन सब का भारत के पर्यटन में भी बहुत ही खास महत्व है। इस प्रकार से हिंद महासागर भारत के लिए बहुत महत्व है। तो यहाँ पे
एक चीज की और मैं बात करूं कि जब किसी कोई भी देश किसी भी समुद्र से अपनी सीमाएं साझा करता है तो कुछ स्टैंडर्ड्स रहते हैं जिनके अनुसार कोई भी देश वहाँ पे अपना जो प्रभुत्व है वो बनाए रखता है। तो भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा की यदि मैं बात करूँ तो वो 12 समुद्री मील है। वहाँ तक भारत को इस क्षेत्र में 12 समुद्री मील में जो कोई भी संसाधन है जैसे पेट्रोलियम है नेचुरल गैसेस हैं उनको दोहन करने का पूर्ण अधिकार है। ठीक है, आधार रेखा, अब ये आधार रेखा टेढ़ी मेढ़ी है तो लगभग 12 नॉटिकल माइल तक भारत यहाँ के जो समुद्र में जो संसाधन पाए जा रहे हैं इन सब में भारत विदोहन कर सकता है, उनसे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका विदोहन कर सकता है। ठीक है, और साथ ही 24 समुद्री माइल, 24 समुद्री माइल तक भारत को पर्यावरणीय स्वच्छता और सीमा शुल्क की वसूली का भी अधिकार है। और साथ ही 200 समुद्री मील तक भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, यहाँ पे मुंबई के समीप मुंबई हाई करके एक संयंत्र स्थापित है जिससे भारत अपना कच्चा तेल या फिर पेट्रोल डीजल इन सब का एक्सट्रैक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ जाई गई है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की यदि मैं स्थलीय सीमा की बात करूं तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है जिसकी लंबाई 4,096.7 किलोमीटर है। जो राज्य भारत के जो राज्य हैं वो बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करते हैं वो हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, त्रिपुरा। ये सब जो ये पांच राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। दूसरी जो सबसे लंबी सीमा है भारत अपनी चीन के साथ साझा करता है। यहाँ पे ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ये आ जाएगा। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये पांच चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमाएं चीन के साथ साझा करता है। पाकिस्तान के साथ तीसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत साझा करता है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसको हम रेड क्लिफ, और यहाँ पे भारत और चीन के साथ जो रेखा है स्थलीय सीमा है जिसका निर्धारण किया गया है उसको हम क्रमशः मैकमोहन और रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, सॉरी रेड क्लिफ और मैकमोहन के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया है तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।